फ्रेंड्स, माय नेम इज राधिका सुरवे। आई एम वर्किंग एज अ कबड्डी ट्रेनर इन आदर्श प्राइमरी स्कूल बरुड़ डिस्ट्रिक्ट। आज कल कबड्डी की स्पिन में देखते हैं वन स्टेप एंकल होल्ड स्किल। कोई भी हम स्किल प्रैक्टिस करते हैं, गेम खेलते हैं, ओके, या प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, वार्म अप करते हैं। वैसे ही हमें ये स्किल प्रैक्टिस करने से पहले स्ट्रेचिंग और वार्म अप कर लेनी है। ओके, तो अब हम देखेंगे वन स्टेप एंकल होल्ड स्किल। अब हम देखेंगे वन स्टेप एंकल होल्ड स्किल। ओके, तो ये जो स्किल हम करने आ रहे हैं, हम काउंटिंग पे करेंगे, पहले फोर काउंटिंग, थ्री काउंटिंग, टू, वन, इस तरीके से। ओके, तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि वन स्टेप एंकल होल्ड कैसे किया जाता है, वो कर से क्या बेनिफिट्स होता है, क्या पोजीशन होती है हमारी। ओके, तो पहले तो हम देख लेंगे कि वन स्टेप एंकल होल्ड होता कैसे है, उसकी क्या पोजीशन होती है। ओके, तो जब आप एंकल होल्ड करते हो, जो एक नंबर होता है, ओके, लेफ्ट कॉर्नर, उसकी पोजीशन क्या होती है, तो वो इस तरीके से खड़ा रहता है, इस तरीके से, इस तरीके से एल शेप में। उसका जो लेफ्ट लेग है वो इस तरीके से आगे तरफ सीधा, और जो राइट है वो साइड में लॉबी की तरफ। ओके, एल शेप बना है। उसके बाद क्या करना है, हमको डाउन थोड़ा बैंड होना है कमर में से। ओके, ये बैंड हुए 3 इंच से, कमर में से थोड़ा बैंड होना है। ओके, जब हम जो नॉर्मल एंकल होल्ड करते हैं, सिर्फ एंकल होल्ड करते हैं, उसी तरीके से वन स्टेप, सिर्फ एक स्टेप आपको आगे लेना है, उसके बाद एंकल होल्ड करो। इस तरीके से आपने पहले पोजीशन ली, ये, उसके बाद आगे गए आप। ओके, उसके बाद ग्रिप, अगर आप एंकल होल्ड करते हो तो आपकी हाथ की ग्रिप क्या होगी, एंकल किस तरीके से पकड़ना चाहिए हमें, तो ये ग्रिप होगी आपकी, एक हाथ इस तरीके से ऊपर की तरफ, दूसरा नीचे की तरफ, इस तरीके से ये ग्रिप आपकी होगी। ओके, तो ये ग्रिप इसी तरीके से हमें एंकल होल्ड करना है, ये, ओके, और ये ऊपर की तरफ पुल। ओके, इसी तरीके से हम एंकल होल्ड की स्किल करेंगे, अब हम काउंटिंग में करेंगे। ये स्किल मैंने पहले दिखा दिया कि किस तरीके से एंकल होल्ड किया जाता है, तो पहले वन बोलूंगी मैं, तो वन में हम स्टैंड पोजिशन देंगे। ओके, वन वन में क्या हुआ, ये पोजीशन ली हमने। ओके, और बॉडी आपकी एकदम फ्री, जो आपके दो हाथ है वो फ्री रहने चाहिए। ओके, वन टू, टू में क्या करेंगे हम, एक स्टेप आगे लेंगे। ओके, थ्री, थ्री में क्या करेंगे, ग्रीप, ये जो ग्रीप बताई थी मैंने वो। ओके, और फोर में अप। ओके, इसी तरीके से हम ये जो स्किल है वो कंटिन्यू करेंगे। इस तरीके से स्किल कंटिन्यू कर सकते हैं, बंदे काउंटिंग करते हुए, वन टू थ्री फोर, अब इसे कंटिन्यू रखना है, थ्री फोर, इसी तरीके से हमें वन स्टेप एंकल होल्ड स्किल कंटिन्यू करनी है। ओके, और मैंने बताया था कि हम स्किल प्रैक्टिस करते हैं, उससे पहले स्ट्रेचिंग वार्म अप कर लेते हैं, उसी तरीके से ये प्रैक्टिस हो जाने के बाद, गेम खेलने के बाद, हमें थोड़ा थोड़ा कर लेना चाहिए। ओके, और अब हमारे इस स्किल के बेनिफिट्स के बारे में,
ओके तो ये जो एंगर बॉन्ड स्किल है वो एंगर बॉन्ड स्किल मोस्ट ऑफ द डिफेंस में जो रहते हैं प्लेयर्स वो करते हैं ओके एंगर होल्ड करने से हमें जिस प्लेयर का आप रेडर का एंगर होल्ड करते हो आपको उसका एक पॉइंट मिलता है ओके थैंक यू।